इट्स डे टू इन जैसलमेर गाइस, और आज हम जा रहे हैं सैंड ड्यून्स, और मैं लेट हूँ सबसे ज़्यादा, मेरे लिए सब वेट कर रहे हैं, मिलती हूँ जल्दी, बाय। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं सैंड ड्यून्स के लिए, वो भी जीप में, बाकी दो लोग और हैं हमारे साथ, तो बाकी हम ही चार हैं, छह लोग ही जा रहे हैं इसमें। तो सो लेट्स सी, आज का प्लान है गैलेक्सी देखने का, अगर दिखेगी तो, अदरवाइज स्टार गेजिंग तो कर ही सकते हैं, और किसी का कुछ होना हो, बंटू का मूड ऑफ हो जाएगा अगर गैलेक्सी नहीं दिखी तो, क्योंकि हम स्पेशली वही देखने आए हैं। बोलो यस। मुझे कुछ, मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, बट इट वॉज लाइक बंटू इज अ साइलेंट गाय, पीसफुल वॉरियर। बोलो बंटू, बंटू बोलो। तो गाइस हम आ गए हैं, आगे का तुम आगे आगे बोलो ना भाई। ये भी मैं ही बोल रही थी। सो गाइस हम आ चुके हैं किसी भूतिया गांव में, एक अबैंडन विलेज है यहाँ पे, और टेंपल भी है। हम लोग जा रहे थे, बीच में उन्होंने गाड़ी रोक दी कि जाके घूम लो, ठीक है। ये भी गाड़ी, ये भी सही है, ये पूरे गांव की स्टोरी यहाँ लिखी हुई है, अभी पढ़ के फिर बताती हूँ। ए मीठे रस से भरो तेरा धारा लीला गे, ओ राधा रानी लागे, ए मने काड़ो काड़ो जमुना जीरो पानी लागे। जो हमारे दादा परदादा वो कहते थे, वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। वो चीज़ ये थी, कहने का मतलब, यहाँ पर लोग, मुगल का टाइम था और लोगों को परेशान किया जाता था। पहले तो लोगों ने, इन्होंने घर के अंदर से सोना चांदी के मतलब हमला करके वो चीज़ छीनी। वो छीनने के बाद उन्होंने अपने के मतलब थोड़ी सी लोगों को परेशानी हो गई। उसके बाद इन्होंने औरतों के ऊपर ही मतलब बच्चियों को ऊपर ले जाना स्टार्ट कर दिया। जब ये लोग चुरियासी गाँव में पालीबाल लोग थे, वो कहने मतलब ये गांव छोड़ के चले गए। लोग परेशानी की वजह से गए थे, ऐसे नहीं वो छोड़ के गए थे। आज अपना भरा हुआ मकान कोई नहीं छोड़ के जाता है। वो छोड़ के जो यहाँ पर अपने इतने परिवार गए थे, जो मजबूरी से गए थे, कहने मतलब उनके साथ एक तो सोना चांदी छीन लिया गया था, उसके बाद अनाज भी छीन लिया गया था, उसके बाद उनकी बेटी और उनके ऊपर लोग हाथ डालने चालू किए। जब ये बेचारे परेशानी से, अपनी जिंदगी से परेशान होकर चले गए। और ऐसा समय था जैसलमेर एक बढ़िया शहर था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से व्यापार होता था, जैसे कहते हैं सिल्क रूट, तो सिल्क का व्यापार यहाँ से होता था, ठीक है। लोग ऊँट के ऊपर आते थे और कैमल से जाते थे और कैमल से वापस आते थे, बढ़िया के मतलब अपना व्यापार करते थे। और आपने जैसे पटवा की हवेली देखी होगी, यहाँ पर जैन लोग थे, वो कहने मतलब पाँच भाई थे, पाँचों की आपने हवेली देखी हो, कितनी खूबसूरत बनाई गई है। आज फोर्ट भी बनाया जो 1156 में बनाए, आज 800-850 साल पुराना फोर्ट है, वो भी कहने मतलब क्यों, वो राजा लोग बगैर तो सिटी में रहते थे, अब गांव के अंदर वो लूट मार के करके चले जाए तो वो यहाँ तक पहुंचेंगे, तब तक तो वो चले जाते थे। मीठे रस से भरो तेरा धारा नीला गे, ओ राधा। सो गाइस अभी हम थे कुलदार, क्या था, कुलधारा अबैंडन विलेज, 200-300 साल पुराना है। यहाँ पे तकरीबन 600 घर थे, तो यहाँ से पूरे गांव वाले छोड़ के चले गए थे। उसकी स्टोरी अभी आपको भैया ने बताई है, तो अब हम जा रहे हैं सैंड ड्यून्स, शायद अभी थोड़ा बहुत और घूमेंगे। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। ये बंटू ऑलरेडी ऊंट पे बैठ गया सबसे पहले, व्हाट्सअप। रास्ते में इतनी धूल थी, इतनी मिट्टी थी,
मेरे कैमरे की पूरी स्क्रीन और लेंस पे धूल और धूल और सिर्फ धूल जमी हुई है। और ये बंटू को देख लो जरा, सबसे पहले ऊंट पे चढ़ के बैठ गए। अभी यहाँ से ऊंट पे जाएंगे, एक घंटे का कैमल राइड है, टांगों की तो लगने वाली है। सो गाइस, मैं ऊंट पे बैठ चुकी हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ से तकरीबन एक घंटे का कैमल राइड है ना, एक घंटे का राइड है ना, और ये मेरे से आगे सो मच। और बाकी जो हमारे साथ लोग हैं सब ऊंट पे बैठ चुके हैं, और बंटू तो बहुत दूर चले गए आएगा हमसे। ऐसे नहीं जा सकते। इवनिंग डे 3 इन जैसलमेर। सुबह हम सैंडी उन से वापस आ गए थे। कल जब हम पहुंचे तो सनसेट हो गया था, सनडाउन हो गया था, तो हमने कुछ शूट नहीं किया। फिर सुबह वहां पे उठने के बाद ही उन्होंने बोला कि चलो चलो, लेट हो जाएंगे लेट हो जाएंगे। तो हम खुद की गाड़ी लेके दोबारा आज आए हैं सैंड ड्यून्स। और हम पे है हमर, नहीं है हम पे है स्विफ्ट, और हमने उसे देखो कहाँ चढ़ाया हुआ है। अभी दिखाती हूँ कहाँ चढ़ाया हुआ है। अब सीधी रोड है, सीधी है ये। सही कह रहा है, ये सीधी है भाई, देखो सीधी रोड देखो जरा। मतलब पतली होनी है वैसी में। डे 4 आई गेस इन जैसलमेर, और आज हम लोग दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। अभी थोड़ा सा प्लान है, बीच में एक जगह है गड़ीसर लेक, वहां जाने का प्लान है, थोड़ा शूट वूट कर लेंगे। बाकी आज दिल्ली वापस निकल रहे हैं। दोपहर तो हमें यहीं पे हो गई है, काफ़ी अच्छी जगह है, वॉर्थ विजिट था मेरा तो यहाँ पे, बहुत टाइम से बकेट लिस्ट में भी थी मेरे। बाकी हम लोग खुद की कार से आए थे यहाँ, हमने फोर्ट के अंदर हॉस्टल लिया था, जिसके प्राइजेस थे 550 रुपीज़ पर बेड, और जो डेजर्ट सफारी थी उसके चार्जेस थे लास्ट उन्होंने हमें दिया था 1900 पर पर्सन। और तो जो गाड़ी का थोड़ा बहुत खर्चा है वो तो ठीक था, ये ट्रिप हमें पड़ेगा लगभग 7,000 या 8,000 पर बेड। हम चार बंदे आए थे, क्योंकि ये दिल्ली से थोड़ा दूर भी है, 800 किलोमीटर से है, तो डीजल का थोड़ा ज़्यादा होगा। बाकी तो सब ठीक था, अच्छा था, हॉस्टल भी अच्छा था बहुत, और एक बार ज़रूर आने बनता है।